लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त 11 महीने के एक बच्चे के इलाज में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाले नई मुंबई के मशहूर स्टेम सेल चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप महाजन का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डॉक्टर महाजन पहले ऐसे चिकित्सक हैं जिनका नाम इस तरह के इलाज के लिए दर्ज हुआ है। डॉक्टर प्रदीप महाजन ने इस पर खुशी जताते हुए बताया कि यह एक सैंडविच प्रोटोकॉल रीजनरेटिव सेल्युलर औषधि है जिसके उपयोग से शरीर की पेशियों में रोगों का मूल कारण तलाश कर उसका उपचार किया जाता है। देखिए रिपोर्ट। नई मुंबई के मशहूर स्टेम सेल चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप महाजन का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। रीजनरेटिव सैंडविच औषधि का इस्तेमाल कर 11 महीने के एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी से मुक्त कराने के मामले में डॉक्टर प्रदीप महाजन का नाम दर्ज किया गया है। डॉक्टर महाजन ने बताया कि यह एक सैंडविच प्रोटोकॉल रीजनरेटिव सेलुलर औषधि है जिसके उपयोग से शरीर की पेशियों में मौजूद रोगों का मूल कारण तलाश कर उसका उपचार किया जाता है। ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले डॉक्टर प्रदीप महाजन मानते हैं कि रीजनरेटिव मेडिसिन के नए तरीके और उपचार की पारंपरिक पद्धति का उपयोग कर लोगों की जीवन शैली में सुधार और बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से नए जो टेक्नोलॉजीज होते हैं उसका प्रैक्टिस करके मैं आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर चुका हूँ और मैं अपने हृदय से उनका रुग्ण हूं और उनसे एक्सप्रेस करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी से जो छोटा बच्चा है, जो नियोनॉट कहेंगे हम, जिससे लेस देन वन ईयर कहेंगे 11 महीने का, जिसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ऑक्सीजन सप्लाई से कम रह गई थी और दुनिया में इस तरह की ट्रीटमेंट इतने छोटे बच्चे को किसी ने आज तक नहीं की और वो भी सक्सेसफुली, अब ये बच्चा नॉर्मल ग्रो हो रहा है। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभारी हूं कि ऐसे टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज करके ये दुनिया में हर लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पर्टिकुलरली मेरे काम को उन्होंने रिकॉग्नाइज करके मुझे एक प्रोत्साहन दिया है जिसकी वजह से मैं और इनोवेटिव काम करने के लिए प्रोत्साहित हूँ। मैं इसके लिए उनका आभारी और धन्यवाद बोलता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।